राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यूं ही जननायक नहीं कहा जाता, वे युवावस्था में राजनीति में आए और देखते ही देखते दिग्गजों से भरी कांग्रेस पार्टी में कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए अपनी बेजोड़ जादूगरी से देश एवं प्रदेश की राजनीति में ऐसे छा गए कि आज वे देश की अग्रणी पंक्ति के एक अहम नेता हैं। उनके सियासी कदमों ने अच्छे अच्छे राजनीतिक सूरमाओं को धूल चटाई है। गहलोत जब पहली बार जोधपुर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि छरहरे शरीर और 6 फुट की लंबाई वाला बहुत ही शांत रहने वाला, कम बोलने वाला ये शर्मीला शख्स प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जैसी कुशल राजनेत्री के मंत्रिमंडल में शामिल होगा और उनकी नृशंस हत्या के बाद प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और नरसिम्हा राव जैसे प्रतिभाशाली प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनेगा। केंद्रीय मंत्री के रूप में गहलोत ने देश की राजनीति को जहां दिल्ली हार्ट एवं निफ्ट जैसे संस्थान के तोहफे दिए, वहीं सिविल एविएशन और पर्यटन के क्षेत्र में भी उन्होंने कई नवाचार किए। साथ ही गहलोत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर को देश का पहला ऐसा नगर बनवा दिया जिसमें आज हर प्रकार के बड़े राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं तथा प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर सड़क, रेल और वायुयान की बेहतर सुविधा से जुड़ा हुआ है। आज राजनीति के सशक्त और सक्षम खिलाड़ी माने जाने वाले अशोक गहलोत ने ये मुकाम अचानक ही हासिल नहीं किया, बल्कि इसके लिए उन्होंने रात दिन समर्पित भाव से अपनी पार्टी के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर कड़ी लगन एवं मेहनत और कर्मठता के साथ अपनी एक अलग ही हैसियत बनाई है। राजनीति में एक क्षण भी गवाना उनकी डिक्शनरी में नहीं लिखा है। एक बार अपने गृहनगर जोधपुर में चुनाव में पराजित होने के बावजूद वे निराश नहीं हुए और चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद अपने मतदाताओं को घर घर धन्यवाद देने अकेले ही निकल पड़े थे और देखते ही देखते ऐसा कारवां बना कि वे फिर कभी जोधपुर से कोई चुनाव नहीं हारे। उस रात को ही उन्होंने अपने निजी सहायकों से कहा कि चलो कार्यकर्ताओं, परिचितों एवं शुभचिंतकों की सभी लिस्ट निकालो, हम नए सिरे से नई सूचियां बनाते हैं। वर्षों से उनके एक पुराने सहायक रहे सुभागमल वर्मा बताते हैं कि गहलोत अलग ही मिट्टी के बने हैं, राजनीति उनके खून में रची बसी है जिसके बूते वे रोज नई राजनीतिक बिसातें बिछाते हैं और उसमें प्रायः विजयी होते हैं। गहलोत अपनी जबरदस्त संगठन क्षमता के बलबूते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रांत गुजरात में प्रतिष्ठा की एक चुनावी लड़ाई में अपने वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को राज्यसभा का चुनाव जितवाने में सफल रहे थे। उन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनावों में भी प्रभारी रहते हुए भाजपा की चूले हिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कांग्रेस अध्यक्षों सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें समय समय पर जो भी जिम्मेदारियां सौंपी वे सारी उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ निभाई। फिर चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब का चुनाव जितवाने की चुनौती ही क्यों न रही हो, अथवा कर्नाटक में सरकार का गठन करवाना हो, या दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में संगठन के कार्य आदि हर कसौटी पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। गहलोत के दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल में जयपुर में आयोजित हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इसी प्रकार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेताओं को राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बनवाकर संसद भेजा और राजस्थान से एक भी कांग्रेसी सांसद नहीं होने के सूखेपन को खत्म कराया था। बाद में उन्होंने पार्टी हाईकमान के निर्देश पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी राज्यसभा में भेजकर अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। इससे पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस और मंत्रिमंडल के गठन और संगठन की चुनौतियों को सुलझाने के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को
उन्होंने जिस ढंग से सफल बनाया वो अपने आप में असाधारण है। गहलोत आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एवं प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के चहेते एवं प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। वे संकट की हर घड़ी और परीक्षा की हर कसौटी में पार्टी नेताओं के साथ चट्टान की तरह अडिग खड़े दिखाई देते हैं। जनमानस उन्हें जमीन से जुड़े नेता की नजरों से देखता है। उन्हें राजस्थान का गांधी एवं राजस्थान का जननायक जैसी कितनी ही उपमाओं से संबोधित करता है। आज राजस्थान कांग्रेस में उनके कद का कोई नेता नहीं है। खासखबर.com की विशेष रिपोर्ट।